और क्या काम में लग रहा है? हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, सो या ओम अग्न्यारंतिद्रांत ज्ञानांजनाशलाकय चाक्षुर्मीलितं येन ओम अग्न्यारंतिद्रांतस्य ज्ञानांजनाशलाकय चाक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभाणु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। Thank you all devotees for joining in, and I seek blessings from my Guru Maharaj, my mentor, Srila Prabhupada Ji, Guru Shishya Parampara, and all the symbol devotees. So yeah, अब इस समय मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इतना परम सौभाग्य है हमारा, इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके और मृत्यु को पाकर अब हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संघ मतलब भक्तों के संघ में उपस्थित है और हरि कथा हरि कीर्तन करने को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है। सो मेरा परम मंगलमय सौभाग्य है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में हरि कथा करने की सेवा आपने मुझे दी है। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप क्षमा करें, सारग्रही भाव से इसमें जो सद्गुण है उसे ग्रहण करें, जो दुर्गुण है प्रस्तुति में, तत्वों में, विचारों में या बोलने में जो त्रुटि है, तो कृपया करके हंस रूपी वैष्णव बनकर दुग्धपान करें, जल को कृपया आप त्यागे। सो या आज का शीर्षक सिक्स वर्स ऑफ गुरु अष्टकम है ना, तो देखते हैं। एंड लिटरली आज की जो कथा रहेगी ना वो तो टॉप लेवल की रहेगी। मतलब लिटरली ब्रह्मा जी जो कि इतने इंटेलिजेंट है वो चक्कर खा के गिर रहे होंगे अगर, तो समझिए मतलब क्या ही, मतलब कृष्णा ने बाउंसर फेंका होगा उनको, बाउंड्री के बाहर ब्रह्मा जी डायरेक्ट। सो या सो हम श्लोक पे आते हैं। निकुंज यो नो रति के तात्रादिराक्ष अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्रीचरण रवींद्रम। सो निकुंज योनो रति के लिए सीध्यई, आपके लिए मैं संधि विच्छेद कर दू है ना। सो निकुंज योनो मतलब लिटरली मतलब क्या क्या वर्स है ये लिटरली। निकुंज निकुंज वन एक्चुअली वृंदावन में 12 अलग अलग टाइप के वन है ना, जिसमें से एक वन का नाम निकुंज है ना। तो निकुंज योनो, योनो ईयर मीन्स द यूथ ऑफ निकुंज, योनो मतलब यूथ है ना। तो यूथ ऑफ निकुंज कौन है? राधा कृष्ण है ना। तो निकुंज योनो मतलब द यूथ ऑफ निकुंज मतलब राधा कृष्ण। रति रति मीन्स कॉन्जुगल लव, ट्रांसेंडेंटल लव। केली मिनट है ना आपके लिए, आपको मैं संधि विच्छेद करके बता। तो या निकुंज योनो हियर रिप्रेजेंट्स द यूथ ऑफ निकुंज वन। कौन है निकुंज वन के यूथ?
युद्ध किसको बोलेंगे? राधा कृष्ण। व्हाट इज हैपनिंग? निकुंज, यू नो द यूथ ऑफ निकुंज वन। रति, रति हियर मीन्स कॉन्जुगल लव, जो ट्रांसेंडेंटल लव है राधा कृष्ण, दैट इज रति। केली हियर मीन्स पास टाइम, कॉन्जुगल लव पास टाइम्स ऑफ राधा कृष्ण। सिद्धियई, सिद्धियई मीन्स फॉर द परफेक्शन, है ना, सिद्धि के लिए जो उपयुक्त है। मतलब अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी, इस मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठना है, आपको क्या करना पड़ेगा? राधा कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि स्मरण करना पड़ेगा। किस लिए? सिद्धि के लिए, है ना, मुक्ति के लिए। अभी यहाँ पे दो बार या आया है, टू टाइम्स या, हियर्स वॉट एवर। अलीभीर, अलीभीर हियर मीन्स बाय द गोपी, है ना। युक्तिर, युक्तिर मीन्स अरेंजमेंट। अब गोपियों के जो भी टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, वॉट एवर द अरेंजमेंट गोपीज वॉन्ट्स टू डू, है ना। अपेक्षणीय मीन्स डिजायरेबल, वॉट एवर द अरेंजमेंट्स गोपीज डिजायर टू डू, है ना। तत्रादिदाक्ष्य, तत्र मीन्स वही, है ना, इन दैट कनेक्शन, है ना। यहाँ पे दाक्ष्य, यहाँ पे अति दक्षता बताता है ना, अति दक्ष, बिकॉज इट मीन्स बिकॉज ऑफ वेरी एक्सपर्ट, है ना। अति मीन्स अति वल्लभस्य, मीन्स हु इज वेरी डियर, है ना। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस एंड टू द लोटस फीट्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो या अब ये तो समझ गए, या नहीं भी समझा होगा, the spiritual master is very dear because he is expert in assisting the gopis. Samajh aa raha hai? The spiritual master is very dear. Wo itne zyada respected, itne zyada lovable kyun hai? Because our spiritual master is expert in assisting the gopis. Ab wo gopis ke liye kya assist kar rahe hai, hai na, who at different times make different tasteful arrangement for the perfection of Radha and Krishna's conjugal loving affairs within the grooves of Vrindavan, Nikunjavan mein. So yeah, ab samajh gaya aapko. Hamare jo guru maharaj hote hain, hai na, hamare jo guru maharaj hote hain, wo direct assist karte hain gopis ko Golok Vrindavan mein. Samajh aa raha hai? Yes or no? Can you understand? Our Guru Maharaj directly assist the gopis in Golok Vrindavan. मैंने कुछ टाइम पहले एक हायरार्की बताई थी आपको, क्या किसी को याद है? कि राधा कृष्ण को मिलना है, या अगर आपको कोई गिफ्ट भेजना है राधा कृष्ण, तो कितने लेयर से पास होता है? तो या आप समझिए, कोई भी ना डायरेक्ट राधा कृष्ण से नहीं मिल सकता, है ना। इतने ज्यादा अंतरंग है वो, कृष्ण लिटरली, कृष्ण तो इतने ज्यादा अंतरंग है कि उनसे राधा ही मिल पाती है, और वो भी कुछ कुछ टाइम के लिए, है ना, हमेशा के लिए नहीं। तो ऐसा है कि राधा और कृष्ण को, अगर कृष्ण को मिलना है तो आपको राधा को मिलना पड़ेगा, है ना। बट राधा से भी आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते। राधा को अगर आपको मिलना है तो आपको सखियों से मिलना पड़ेगा, है ना। राधा कृष्ण की नहीं नहीं नहीं, अगर राधा से मिलना है तो आपको ललिता और विशाखा से मिलना पड़ेगा, है ना। अगर ललिता और विशाखा को मिलना है तो आपको सखियों को मिलना पड़ेगा, है ना। जो सखिया होती है, ललिता विशाखा की कुछ सखिया है, है ना। अगर आपको सखियों को मिलना है तो वो भी ऐसे नहीं मिलते। पहले सखिया, अगर सखियों को मिलना है तो उनके पहले आपको गोपियों को मिलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? गोपियों, गोपियां भी डायरेक्ट नहीं मिलती है। अगर आपको गोपी तक पहुंचना है तो आपको पहले मंजरियों को मिलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो मंजरी असिस्ट करती है गोपी को, गोपी असिस्ट करती है सखी को, सखी असिस्ट करती है ललिता विशाखा को, ललिता विशाखा असिस्ट करते हैं राधा रानी को, एंड राधा रानी अंतरंग भाव से असिस्ट करती है कृष्णा को।
इतने सारे लेयर्स है, समझ आ रहा है? आर यू विद मी यस और नो? या मतलब इतना ज्यादा लेयर को पास करने के बाद में कहीं कृष्णा मिलते हैं कैसे? अगर 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 कोई बोलता है ना, मतलब लिटरली लिटरली मेरे को हंसी आती है अगर कोई ऐसे मेरे को डायरेक्ट बोलता है ना मेरे को तो कृष्णा मतलब मैं मिल जाऊंगा कृष्णा, है ना, मैं मिलूंगा कृष्णा से, तो कृष्णा लिटरली बोलते चल भाई हवा आने दे, है ना, इतना आसान नहीं है, है ना। सो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे पॉइंट करने की पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट ये है कि आपके जो गुरु महाराज होते हैं, हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, वो किसको असिस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? गोपियों को असिस्ट करते हैं। समझ आया? दैट मीन्स हमारे जो गुरु महाराज होते हैं वो मंजरिया होते हैं, है ना। अब आप पूछोगे कि गोपी कौन, मंजरी कौन, है ना। तो गोपी जो एल्डर होती है उसको गोपी बोलते हैं, मतलब गोपियां जो होती है ना, दे आर 15 टू 16 ईयर्स ओल्ड, मैं एज ग्रुप बता रहा हूँ आपको, है ना। एंड जो मंजरी होती है वो यंगर गोपी होती है, यंगर गोपी ये 9 टू 10 ईयर्स ओल्ड होती है, समझ आया। एल्डर गोपी एकदम ये नहीं 50 साल की गोपी, है ना। ओ कृष्ण तो बोलेगे क्या है ये सॉरी जो गोपियां होती है वो 15-16 साल की होती है, एंड जो मंजरिया होती है वो यंगर गोपीज होती है, मतलब वो 9-10 साल की होती है, है ना। तो हमारे जो गुरु महाराज होते हैं लिटरली दे आर मंजरिया, एंड वो भी ऐसे वैसे मंजरिया नहीं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? तत्रादि, मतलब किसी भी काम में दक्ष, हर काम हर सेवा में दक्ष होते हैं, वो अति दक्ष होते हैं। So that is the position of Guru Maharaj. अब समझिए, मार्केट में तो बहुत सारे बाबा लोग हैं, है ना, who are saying कि भाई हम तो राधा कृष्ण की लीला में, हाँ हम ये है हम वो है, है ना। तो उनके लिए यहाँ पर आता है कि no one try to artificially imitate, है ना। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी कौन सुनेगा? Who is here? कौन कौन है यहाँ पे? एक स्टोरी को बहुत कॉमेडी स्टोरी, एंड मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी के टाइम का है। तो प्रभुपाद जी के टाइम पर एक डिसाइपल था, है ना। तो उनको बोला गया था कि वृंदावन, हाँ ठीक है, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट जितने भी वृंदावन के वासी है, है ना, बट जो वहां पे बाबा लोग ढोंगी बाबा लोग बैठे है ना, उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि दिमाग खराब होता है ना, मतलब लिटरली। देर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ साधक, क्या क्या होते हैं मैं वापस से रिपीट करता हूँ, काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्प आहारी, ग्रह त्यागी, है ना। ये 5 क्वालिटीज होती है एक साधक की। अगर आपको ये 5 क्वालिटीज निपुणता से आ जाएगी तो आप ऐसा समझिए कि आप भक्ति में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसके बारे में हम बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे ये 5 क्वालिटीज के ऊपर, बट उसमें से जो लास्ट सेकंड वाली क्वालिटी है अल्प आहारी, है ना, तो उसके बारे में जानते हैं अभी ये उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अल्प आहारी का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब कम, आहारी का मतलब खाना, यू शुड ईट लेस, है ना। सो अब आप बोलोगे कि मतलब प्रभु जी आप सामने छोले भटूरे रखे, आप कैसे ही बोल सकते हो ईट लेस, है ना। and कुछ डिवोटीज मेरे को बोलेगा प्रभु मतलब भूखे पेट तो भजन तो होता है नहीं, एंड आप बोल रहे हो कम खाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी इन अ ह्यूमन बॉडी ईट फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेस, है ना। द फर्स्ट वन प्राइमरली विच वी नो अबाउट इज ईटिंग बाय चीविंग एंड डाइजेस्टिंग, दैट इज वन काइंड ऑफ ईटिंग। वी ईट from our eyes also, can you get that? This is a secret. So we eat from our eyes. What is the diet for our eyes? It is the vision. Whatever we see is the diet of our eyes, है ना, वो हमारे नेत्रों का खाना होता है। तो इसीलिए अल्पाहारी here means we should
see less and we should see what is meaningful to us in the spiritual connection. कचरा नहीं देखना चाहिए, है ना? कौन कौन देखता है यहाँ पे? अनुपमा गुम है किसी के प्यार में, इमलिया कौन कौन देखता है? कचरा नहीं देखना चाहिए, समझ आ रहा है ना? एनीथिंग विच इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम कृष्णा इज माया. तो प्लीज शुड सर्व कृष्णा नॉट माया. नंबर टू, वी ईट फ्रॉम अवर ईयर्स ऑल्सो. हम हमारे कानों से खाना खाते हैं. वॉट डू वी ईट फ्रॉम अवर ईयर्स? द हियरिंग, द वॉइस, द नॉइज, है ना? श्रवण जो हम करते हैं वो कानों से करते हैं, है ना? तो श्रवण कम करना चाहिए. वी शुड ओनली ट्राई टू हियर द पास्ट टाइम्स एंड द नेम ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, राधा एंड देयर पास्ट टाइम, दैट्स ऑल. यहाँ पर भी आता है ना, अनुपमा, हिमलिया, हिमलिया पार्ट टू, है ना? तभी चलता है. नागिन, नागिन तो 6-7 पार्ट निकल रहा है. ये एक्चुअली ये माता जी लोग जो है ना मतलब लिटरली सबसे फेमस अगर टीवी सीरियल देखेंगे हम, सबसे फेमस टीवी सीरियल और बहुत पैसा कमाने वाला, है ना? नागिन पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 तक जा रहा है वो, है ना? एंड इट हैज नो कनेक्शन ऑफ रियल लाइफ, लिटरली. नागिन मतलब देखिए आप जाके, है ना? देखिए मत, तो आप बोलोगे प्रभु जाके देखने को बोल रहे हैं तो शुभम प्रभु ने नाम बोला था, देखना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड बी अल्पाहारी, वी शुड ईट लेस, वी शुड सी लेस, वी शुड हियर लेस, वी शुड स्मेल लेस, है ना? कचरा नहीं सूंघना चाहिए. किस किस को पेट्रोल की सुगंध अच्छी लगती है? माय गॉड, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ लिटरली. तो पेट्रोल सूंघने से बेटर है भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित करते हो उसको सूंघो. तो दैट विल बी गुड फॉर अस, है ना? एंड वी ईट फ्रॉम अवर स्किन ऑल्सो, फ्रॉम अवर टच. The diet for our touch is what we touch, what we feel. So, हमें literally अगर touch करना ही है ना, तो तुलसी महारानी को touch करना चाहिए, है ना? We should engage all our five senses in proper proportion into the seva of Lord Shri Krishna, है ना? तो ये अल्पाहारी का लक्षण होता है ना? तो अब हम ये कथा पर आते हैं. एंड प्रभुपाद जी ने अपने सारे डिसाइपल्स को बोला, देखो कि यस इट इज देयर के वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन लिविंग इन धाम, बट व्हाट यू हैव टू डू इज डू नॉट गेट एंगेज्ड योरसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ साधु बाबा हियर इन वृंदावन. बट एक डिसाइपल ने बात नहीं मानी एंड वो किसी बाबा के पास चला गया. तो हुआ क्या, उस बाबा ने उनको क्या बोला पता है? कि प्रभु जी मेरे को सिद्धियां प्राप्त है एंड मैं उस सिद्धि के बल पर आपको बता सकता हूँ कि आप राधा कृष्ण की नित्य लीला में जो गोलोक में होती है उसमें आप पीकॉक हो. पीकॉक, यू आर अ पीकॉक इन गोलोक धाम. तो आपको लिटरली पता है उसने क्या किया, मतलब उस डिसाइपल ने क्या किया? कचरा सुन लिया ना. प्रभुपाद जी ने तो डायरेक्टली बोला था कचरा नहीं सुनना है ना, अल्पाहारी रहना है हमें. तो अब उसने कचरा सुन लिया, है ना? किसी कचरा बाबा के कांटेक्ट में आ गया. तो वो लिटरली सुबह से शाम तक पीकॉक की आवाज इमिटेट कर रहा है वो भाई. प्रभुपाद बोले ये क्या कर रहा है? तो बोले मैं राधा कृष्ण के नित्य लीला में पीकॉक हूँ, ऐसा वो बाबा ने बोला. एंड प्रभुपाद जी ने बोला इसको बाहर निकालो, पहले इसको वापस लेके ही मत आओ मेरे सामने, है ना? He will be sitting सबसे लास्ट में, या तो इसको ग्रुप में रखो ही मत क्योंकि ये अब कॉन्टेमिनेट हो चुका है. तो लिटरली अगर आप अल्पाहारी नहीं होगे एज अ साधक तो पतन हो जाएगा आपका. अब वो भाई साहब सुबह से रात तक पिकॉक के जैसे इमिटेट कर रहा है ना, चल भी पिकॉक की तरह रहा है ना, जस्ट बिकॉज कि वो बाबा ने बोल दिया है कि वो पिकॉक है गोलोक वृंदावन में. रबिश. तो वैसे वैसे तो
वैसे तो सुखदेव गोस्वामी महाराज क्या थे पता है आपको? सुखदेव गोस्वामी महाराज कौन थे? हमें पता होगा शायद, जिन्होंने भागवतम बोला परीक्षित महाराज को। यस, पैरोट। पैरट थे वो, सुखदेव गोस्वामी महाराज वाज अ पैरट। तो क्या वो होने के बाद में वो पैरट के जैसे आवाज निकालने लगे? डेड क्या ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज पैरट जैसी आवाज निकाल रहे? नहीं, उन्होंने लिटरली भागवतम गाया, इतने सारे सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहे हैं वो, जबकि वो लिटरली राधा रानी के पैरट है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ढोंगी बाबा के अगर कांटेक्ट में आओगे, अल्प आहारी अगर नहीं रहोगे तो यही होगा। तो एंड एंड लिटरली पता है आपको क्या हुआ? मतलब लिटरली अब सुखदेव गोस्वामी महाराज वॉज अ पैरट इन गोलोक वृंदावन, स्टिल यहाँ पर आने के बाद में उनको सेवा मिली थी भागवतम की, है ना? मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, पूरे भागवतम में राधा रानी का जिक्र नहीं है। राधा रानी के बारे में उन्होंने राधा ऐसा वर्ड निकाला ही नहीं है पूरे भागवतम। क्योंकि तो पता है क्यों? क्योंकि तो उनको पता था जैसे ही मैंने राधा बोल दिया, जैसे ही मैंने राधा बोल दिया वो एक्सटेसी में आ जाएंगे, है ना? वो लिटरली राधा रानी की नित्य लीला में वापस चले जाएंगे अंतरंग भाव से, एंड भागवतम बोलने की जो उनकी सेवा थी वो स्टॉप हो जाएगी। तो लिटरली कितना बड़ा त्याग किया है सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने, कि उन्होंने वो लिटरली जिसके पैरेट थे उनका नाम ही नहीं लिया। 12 स्कंद हो चुके हैं भागवतम के, जिसका अगर एक परपट भी आप पढ़ेंगे तो आपको 40 साल जाएगा। इट विल टेक यू अराउंड 40 ईयर्स टू जस्ट रीड 1 परपट अ डे फ्रॉम श्रीमद भागवतम। कैन यू इमेजिन? एंड इतनी बड़ी भागवतम के अंदर भी सुखदेव गोस्वामी महाराज हैज नॉट इवन अटर्ड अ सिंगल वर्ड राधा। राधा उन्होंने निकाला ही नहीं ना, तो उन्हें पता था सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो या अब सुखदेव गोस्वामी महाराज दक्ष थे, सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ फूल ट्राइज टू इमिटेट अ नित्य सिद्ध डिवोटी, है ना? वो होता है सुबह से रात तक पैरट बन जा, पीकॉक बन जाओगे, है ना? और आपको निकाल दिया जाएगा एलियन समझ करके। तो स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज असिस्टिंग द गोपीज एंड ही इज अति दक्ष, है ना? मैंने जो हाईलाइट किया है, इज अति दक्ष, वेरी एक्सपर्ट। नॉट लाइक कि नॉट लाइक कि ही इज मेकिंग मिस्टेक्स। गुरु महाराज कभी भी मिस्टेक्स नहीं करते। जो गोलक वृंदावन की नित्य लीलाएं होती है ना? नॉट लाइक मी। मैं बड़ा मैं बताऊँ मैं कितना बड़ा फूल हूँ, मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मैं कल गया था नाशिक एंड आई विजिटेड टेम्पल। माई मेंटोर हैड अ सेवा टू क्लीन द टेम्पल फ्लोर, है ना? अब वो मेरे मेंटोर है तो मेरे अंदर तो करुणा रहेगी, है ना? स्वाभाविक है, इनफैक्ट सभी के लिए, कि भाई कोई भी अगर टेम्पल फ्लोर क्लीन कर रहा है तो मैं तो घुस जाऊंगा कि नहीं बाबा ये सेवा मेरे को करने दो। तो मैं उनके पैरों में गिर गया कि प्रभु मेरे को ये सेवा करनी है, प्लीज आप मत करो, एटलीस्ट मेरे सामने तो मत करो। उन्होंने बोला प्रभु आपको नहीं आएगा, आप पहली बार कर रहे हो, आपको नहीं आएगा। मैंने प्रभु मैं कर दूंगा, है ना? एक काम कीजिए, आप खड़े रह के चेक कीजिए, आप खड़े रह के चेक कीजिए, अगर मैं कहीं गलती करता होऊंगा तो आप मुझे बता देना कि ये गलती हो रही है। लिटरली आपको बोलूं मैं, है ना, लगभग 100 से ज्यादा टाइम उन्होंने मेरे को टोका है कि देखो ये लाइन आपकी गलत जा रही है टेम्पल फ्लोरिंग क्लीनिंग के लिए, है ना? यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया। तो इतना बड़ा गधा हूं मैं, मतलब लिटरली मेरे से टेम्पल फ्लोर क्लीन नहीं होता है ना? बट टू स्पीक ऑफ मतलब सेवा करना। तो या अ स्पिरिचुअल मास्टर इज अति दक्ष, वेरी एक्सपर्ट इन असिस्टिंग द गोपीज। वो लिटरली मंजरी है, एंड मंजरी में आपको बहुत पास का कनेक्शन बता देता हूँ, है ना? मंजरिया अति दक्ष होती। फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी महाराज, पता है आपको, आपने नाम सुना होगा रूप गोस्वामी महाराज, रूप मंजरी थे, है ना? गोलोक वृंदावन के रूप मंजरी, जो रघुनाथ गोस्वामी महाराज है ना, वो रति मंजरी है गोलोक वृंदावन में, है ना? तो समझिए लिटरली महाप्रभु ने
अपनी भक्ति फैलाने के लिए मंजरियों को लेके आए थे। जितने भी षड गोस्वामी महाराज है वो कोई ना कोई मंजरी है ना। तो मंजरी इज अ फीमेल फॉर्म, एंड यहाँ पर जब वो आ रहे हैं तो वो मेल फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो समझने वाली ये बात है कि जो मार्केट में बाबा लोग हैं ना, जो फेल होने के बाद भी दुपट्टा ओढ़ करके, साड़ियाँ पहन करके, लिपस्टिक लगा करके, सिर्फ नेम एंड फेम के लिए, है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, हम कृष्णा के बहुत करीब के पार्षद हैं, है ना। दे लिटरली चेंज देयर होल अटायर एज अ गोपी, है ना, जस्ट टू मेक फूल ऑफ पीपल ऑफ देयर डिसाइपल्स। तो इनके चक्करों में ना ही पड़े ज्यादा ठीक है, क्योंकि लिटरली जो एक्चुअल मंजरी है उन्हें जब मेल फॉर्म दिया गया तो उन्होंने ये नहीं किया, मतलब लड़कियों के जैसा, मतलब माता जी के जैसा ड्रेस व्रेस करना। षड गोस्वामी को आपने देखा है कि मतलब वो किसी भी फोटो के अंदर दिख रहा है कि मतलब वो माता जी के जैसा बिहेव कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिटरली वी शुड बी केयरफुल ऑफ हुम वी आर फॉलोइंग, वी शुड बी अल्प आहारी। एंड एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी देखिए, अब अति दक्षता का एग्जाम्पल, ज्वलंत उदाहरण, है ना। प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन कुकिंग, प्रभुपाद जी वॉज लिटरली एक्सपर्ट इन राइटिंग, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन प्रीचिंग, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन कीर्तन, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन लेक्चरिंग, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन, प्रभुपाद जी वॉज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अवर गुरु महाराज इज अति दक्ष, बिकॉज ही इज अ मंजरी, लिटरली मंजरी। एंड इफ वी कैन नॉट सी दीज क्वालिटीज इन अ स्पिरिचुअल मास्टर, सो डियर डिवोटीज आई वुड एडवाइज नॉट टू फॉलो हिम, बिकॉज ही इज जस्ट इमिटेटिंग हिमसेल्फ एज अनित्य मुक्ता एंड मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ एंड देयर डिसाइपल्स। तो या इन द निकुंज वन, इन द निकुंज वन स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी डियर बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन असिस्टिंग द गोपीज हु एट डिफरेंट टाइम्स मेक डिफरेंट टेस्टफुल अरेंजमेंट फॉर द परफेक्शन ऑफ राधा कृष्ण लीला विद इन द ग्रूव्स ऑफ कुंजवन। आई ऑफर माई मोस्ट हम्बल ओबीसियंसेस एंड टू द लोटस फीट। दैट वॉज इट। थैंक यू डियर डिवोटीज फॉर हियरिंग।